Welcome to our YouTube channel 24/7 AP Library। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो हिंदी व्याकरण की, जिसका विषय है सर्वनाम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं, जैसे राम खेल रहा है, वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में राम संज्ञा शब्द है। नीचे लिखे वाक्य में राम की जगह पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया है। रीमा बाजार जा रही है, वह बच्चों के लिए खिलौने लेकर आएगी। ऊपर लिखित वाक्य में रीमा संज्ञा शब्द है। नीचे लिखित वाक्य में रीमा की जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए अब देखते हैं कि हमने यह वह शब्दों का प्रयोग किस लिए किया है। ये शब्द क्या हैं? इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए अब सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त और रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। जैसे यह, वह, उसके, आदि। सर्वनाम शब्दों के उदाहरण, अरुण एक जादूगर है, वह बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमने अरुण की जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया है। मोहन का घर बहुत सुंदर है, उसने अपने घर में बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं। मोहन के लिए हमने उसने शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे इन पंक्तियों में सुंदरता दिखाई दे रही है। यह बोलने में भी अच्छी लग रही है। आइए अब सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के छह भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सं
संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आइए सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। परिभाषा, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसके आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप आदि। अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे वह, यह, उसका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो आइए अब निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति की ओर संकेत किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा गांव है। इसमें यह एक निश्चित शब्द की ओर इशारा कर रहा है। वह मेरा गांव है। वह भी एक निश्चित जगह की ओर इशारा कर रहा है। इसमें यह शब्द जो हम निकटवर्ती स्थान के लिए प्रयोग करते हैं वहीं पर वह शब्द का प्रयोग हम दूरवर्ती स्थानों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। कोई गा रहा है। भोजन में कुछ गिर गया है। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चल रहा तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं।
संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, जैसा, वैसा, जो, सो आदि। उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें उपयुक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ, उसके का संबंध जिसकी के साथ प्रकट कर रहा है, तो ये वाक्य एक दूसरे से संबंधित है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों से कोई प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, कौन, क्या, किसने आदि। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम क्या खा रहे हो? बाहर कौन खड़ा है? ऊपर लिखित वाक्य में क्या, कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाए वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध करवाने वाला। अपनेपन का बोध करवाने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे, हमें, आप, अपने आप, स्वयं आदि। वह अपना काम अपने आप करती है। यह अपना ही घर है। उपयुक्त वाक्यों में अपने आप और अपना ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट notifications। धन्यवाद।